हेलो डी स्टूडेंट, क्लास एट चैप्टर रिप्रोडक्शन, आगे की टॉपिक देखेंगे हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसके आगे की टॉपिक, ऐसे हम लोग पढ़े थे फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन, हेन के बारे में, जो हेन होता है उसके अंदर भी जो होता है इंटरनल फ्रेगमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट होता है वो डिवाइड होता है रिपीटेडली। हार्ड सेल हैक्स हेंस एग इज प्रोटेक्टेड, तो हेंस होता है उसके थ्रू जो एग्स निकलता है तो अंदर ही, मतलब हेन के अंदर ही क्या होता है उसका जायगोट बन जाता है। मीन्स जो सेल ऑफ मेल एंड फीमेल का जो जो स्पर्म एग्स है तो उससे कंबाइन करके क्या हो जाता है, अंदर ही जायगोट बन जाता है। बाहर जो एग्स निकलता है हेन से तो जो एग्स है वो प्रोटेक्टेड होता है। ही कह रहा है आफ्टर हार्ड सेल, हार्ड सेल तो उस एग्स के ऊपर जो सेल होता है वो हार्ड सेल कवर जो होता है वो हार्ड हो जाता है, तो हार्ड सेल इन हेन्स एग इज प्रोटेक्टिव लेयर, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर का हार्ड सेल जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ठीक है, आफ्टर हार्ड सेल इज द फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग द एम्ब्रॉय एम्ब्रियो एम्ब्रियो द हेन फाइनली लेस द एग्स। ठीक है, हेन सिट ऑन द एग्स, अगर जो हेन्स है अगर एग्स पे सिट करेगा तो प्रोवाइड द सफिशियंट वॉर्म्स 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 प्रोवाइड करेगा हेन्स, तो फिर वहां से क्या हो जाएगा, चिक्स निकल सकते हैं। आफ्टर द चिक इट्स कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बस्ट ओपन द एक्स सेल, तो फिर क्या हो जाता है, एक्स से चिक्स निकल जाते हैं। अगर वहां से हेन उस पर अगर वॉर्म नहीं करेगा, उस पर सिट नहीं होगा एक्स पे, तो फिर उस एग को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, खाने के पर्पज से भी खाते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट विवीपोरस एंड ओविपोरस, विवीपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। देखिए क्या होता है, एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस, जो बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विवीपोरस। जैसे एग्जांपल डॉग्स काउस कैट्स ह्यूमन बींग, ये जितने भी हैं डॉग्स काउ कैट्स ह्यूमन बींग, ये क्या करते हैं, जो बर्थ टू यंग वंस, जो बर्थ यंग वंस देते हैं उसे बोलते हैं क्या, विवीपोरस। अब एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपोरस, वो एनिमल जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं एग्स देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओविपोरस। जैसे एग्जांपल लिजार्ड फ्रॉग बटरफ्लाई, ये सब क्या होते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं और ये इसे बोलते हैं ओविपोरस, और जो बर्थ टू यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं विवीपोरस। ठीक है, यंग वंस ऑफ एडल्ट, जैसे यहाँ पे देखिए एक मास है, यहाँ पे जैसे स्पर्म यहाँ एक्स है तो स्पर्म आएगा, स्पर्म और एक्स मिलकर क्या बनाएगा, जायगोट, तो जायगोट से जो बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऐसे टेडपोल, तो ये तो नहीं होता है स्ट्रक्चर फ्रॉग का, एडल्ट फ्रॉग ये होता है, तो फर्स्ट ऐसे बनेगा कि ये जो है टेडपोल के फॉर्म में बनेगा, फिर इसका टेडपोल विथ लेग्स बनेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर जो आएगा तो यंग फ्रॉग बनेगा, और फिर यहाँ से जाकर फिर फाइनली एडल्ट फ्रॉग बनेगा। यानी यहाँ पे एक्स है, स्पर्म आया, इससे मिला, जायगोट बना, जायगोट से ये आया, इससे ये, इससे ये, इससे ये। ठीक है, तो ये कह रहा है टेडपोल लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम अ एडल्ट्स, जैसे कैटरपिलर और अ पूपा ऑफ अ सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट माउथ, तो ये जो होता है कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस, द मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस उसे बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, मतलब कि लार्वा से किसमें चेंज हो जाए, एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन हेंस में,
जिसमें क्या होता है, हेंस जो एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है हेंस के अंदर ही हो जाता है, और जो बाहर एक्स आता है तो वो होता है एक्स अराउंड डेवलपिंग हार्ड सेल, एक्स प्रोटेक्टिव लेयर होता है आफ्टर हार्ड सेल। वो क्या होता है, जो हेंस होता है सिट्स ऑन द एक्स बैठते हैं और प्रोवाइड द वार्म करते हैं, फिर वहां से भी चिक प्रोड्यूस हो जाता है। बीबी पुरुष ओवी पुरुष क्या होता है, बीबी पुरुष उसे बोलते हैं जो बर्थ टू यंग वंस होता है, जैसे काउ डॉग्स और एनिमल्स व्हिच ले एग्स इज कॉल्ड द ओवी पुरुष, जिसमें एग्स प्रोड्यूस हो रहा है जैसे लिजार्ड फ्लॉक बटरफ्लाई, ठीक है। और ये रहा आपके यंग वंस का स्ट्रक्चर। और मेटाफोरसिस इसे बोलते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ओके थैंक यू।